हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों आज की फिल्म है सिग्निफिकेंट अदर। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं आसमान से कोई लाल सी चीज पहाड़ियों में जा गिरती है, जैसे कोई आग का गोला हो। उसकी रफ्तार काफी तेज थी, इसलिए पता नहीं चल पाता कि आखिर वो क्या था। और फिर हम उस घने जंगल का दृश्य देखते हैं जहाँ एक हिरन था। अचानक से उसे कुछ महसूस हुआ और पीछे से एक विचित्र तरह की चीज आई और उसे दबोच लिया, जैसे किसी ऑक्टोपस का हाथ हो। वहाँ से दूसरा दृश्य शुरू होता है। हम पोर्टलैंड का दृश्य देखते हैं, जो ओरेगन का एक छोटा सा शहर है। हम एक गाड़ी में एक कपल को देखते हैं, रूथ और हैरी। दोनों पिछले 6 सालों से रिलेशन में हैं, पर शादी नहीं की। हैरी को कैंपिंग करना काफ़ी पसंद है, इसलिए दोनों शहर से दूर जंगलों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, शायद वहाँ जाकर उनका तनाव खत्म हो सके। हैरी इस एडवेंचर को लेकर काफ़ी एक्साइटेड था। रूथ भी उतनी ही खुश थी जितना कि हैरी। उस रास्ते को और सामने उस घने जंगल को देख पता चलता है ये वही जंगल है जिस दृश्य को हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वो रास्ते में एक स्टोर पर रुकते हैं ताकि लंच कर ले और अपने साथ कुछ ट्रिप के लिए खाने को ले ले। सफ़र काफ़ी लंबा था। अभी उन्होंने खाना शुरू ही किया था कि उस स्टोर ओनर का बेटा उनके पास आता है और वो काफ़ी डरा था, क्योंकि उसने कल आसमान से गिरते हुए उस लाल सितारे को देखा था जो काफ़ी अजीब था। तभी उस बच्चे की माँ उसे बुला लेती है, पर दोनों उसकी बात समझ नहीं पाते। हैरी कहता है बच्चे कई बार ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेते हैं। वहाँ से वो अपने आगे सफ़र पर निकल जाते हैं। वो रेड रिज ट्रेल तक पहुँच जाते हैं जहाँ से वो अपना सफ़र शुरू करेंगे, पर रूथ काफ़ी नर्वस दिखाई दे रही थी। शायद वो सफ़र को लेकर चिंता में थी, उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर हैरी उसे यकीन दिलाता है एक बार सफ़र शुरू करने पर उसे सब ठीक लगने लगेगा, क्योंकि रूथ की ये पहली कैंपिंग थी। हालांकि उसने कैंपिंग की है पर ऐसी जगह नहीं। हैरी बताता है वो इस ट्रेल पर 4 बार से ज़्यादा कैंपिंग कर चुका है और इसमें डरने जैसा कुछ नहीं। हैरी उसका डर दूर करने के लिए उसे कई एग्जाम्पल देता है कि खतरा तो हर जगह है, पर ये सोचकर हम जीना नहीं छोड़ सकते। रूथ एक सर्फर है तो खतरा तो वहाँ भी है, कोई शार्क उस पर अटैक कर सकती है। और जब दोनों बूढ़े हो जाएंगे तो ये यादगार एडवेंचर की यादें उनके साथ होंगी। रूथ तैयार हो जाती है क्योंकि ये हैरी की जिद थी, और वो अपना बैकपैक लेकर जंगल में जाना शुरू करते हैं। जब वो जा रहे होते थे तो रूथ को महसूस हुआ कि उन पे कोई नज़र रखे हुए हैं। वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी, न किसी पंछी का शोर, न ही हवाओं के पत्तों से टकराने की आवाज़। सब कुछ ठहरा हुआ था। ऐसी गहरी खामोशी उसके मन में और डर पैदा कर रही थी। उन्होंने एक खाली मैदान पर आकर अपना टेंट लगाया और आज रात वहीं रुकने का फैसला किया। हैरी उसे सर्वाइविंग टेक्निक बताता है कि सफ़र के दौरान राशन को कम से कम यूज़ करना चाहिए। वहाँ हैरी रूथ का डर दूर करने के लिए उसे काफ़ी हंसाता है। रूथ भी एक हद तक भूल गई थी कि वो कैंपिंग पर अकेले हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ रात हो जाती है। रात होते ही मानो खामोशी भी कहीं खो सी गई उस घने अंधेरे जंगल के बीच। रूथ आंखें खोलती और बंद करती, पर काफ़ी कोशिश के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ का सन्नाटा उसकी नींद के बीच रुकावट बन रहा था। वो उठती है और फ्रेश होने के लिए टेंट से बाहर आती है, हाथ में लालटेन पकड़े टेंट से थोड़ी दूर आई। तभी अचानक से उसके पीछे से कोई चीज़ गुजरी। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक हिरन खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। कुछ देर के लिए तो रूथ की सांसें थम गई, पर मन में थोड़ी राहत आई, क्योंकि जंगलों में जानवरों का होना एक आम सी बात है। तभी उसके कंधे पर पीछे से एक हाथ आया। वो हैरी था जो उसे ढूंढता वहां आ पहुंचा। उस हिरन की बात उसने हैरी से बताई, पर हैरी ने बताया इसमें डरने जैसा कुछ नहीं, वो एक जानवर है। किसी तरह वो घनी रात गुजरी, सुबह वो आगे के सफ़र पर निकल पड़े। उस जंगल में बड़े विशाल पेड़ थे, अगर कोई खो जाए तो मिलना मुश्किल, पर हैरी को उस जगह की अच्छी जानकारी थी क्योंकि वो इस जगह से वाकिफ था। वहाँ से दोनों एक सीनिक व्यू पॉइंट पर आ जाते हैं। हैरी उस नज़ारे को दिखाने के लिए उसकी आंखें बंद कर देता है। वो नज़ारा सच में काफ़ी खूबसूरत था, सामने एक विशाल समुंदर और जैसे आसमान उसमें आकर मिल गया हो। हैरी काफ़ी वक्त से सोच रहा था कि वो रूथ को यहाँ ले आए, पर हैरी का मकसद उसे इस नज़ारे को बस दिखाना नहीं था, कुछ और भी बात थी। एक गहरी सांस के साथ हैरी ने अपनी बात रखना शुरू किया कि 6 साल पहले जब रूथ उसकी ज़िंदगी में आई तब से सब कुछ बदल गया, पर वो यकीन के साथ कह सकता है कि उसे रूथ से अच्छी लड़की नहीं मिल सकती। हैरी ने अपने जेब से एक रिंग निकाला और रूथ को शादी के लिए प्रपोज किया। यहाँ हमें पता चलता है कि रूथ को एंजाइटी डिसऑर्डर है,
वो इस तरह से प्रपोजल देख अपना दिमागी संतुलन खोने लगती है। वो अपने पास रखी एंजाइटी की गोलियां लेती हैं और रूथ उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। हैरी भी उसके रिजेक्शन को खुशी खुशी मान लेता है। शायद रूथ इतना बड़ा फैसला लेने के लिए अभी तैयार नहीं थी, पर वो इस बात से काफ़ी दुखी हो जाता है। रूथ को भी एहसास होता है कि उसने गलत किया। इस बात से हैरी काफ़ी टूट गया था। उस बात को लेकर दोनों के बीच एक दूरी सी आ गई थी, पर रूथ उससे बात करना चाहती थी और वहाँ दोनों के बीच काफ़ी बहस होती है। यहाँ हमें पता चलता है रूथ के माता पिता के अलग होने के बाद रूथ काफ़ी स्ट्रेस में रहने लगी थी और ये एंजाइटी डिसऑर्डर उसी की वजह से है। रूथ की एक थेरेपिस्ट भी है जहाँ वो अक्सर थेरेपी सेशन के लिए जाया करती है, पर हैरी इस सभी चीज़ों का जिम्मेदार उसे ही ठहराता है। दोपहर हो गई थी। रूथ टेंट से बाहर आती है। सामने हैरी का एक नोट पड़ा था। उसने लिखा था कि वो वॉक पर थोड़ा फ्रेश होने गया है, थोड़ी देर में लौट आएगा। रूथ वहीं बैठ उसका इंतज़ार करती है। वो अपना फ़ोन चेक करती है, उसमें नेटवर्क नहीं था। तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है। वहाँ पेड़ के पास एक हिरन मरा पड़ा था जो किसी ब्लैक सब्सटेंस से कवर्ड था। उसे देख वो काफ़ी घबरा जाती है। तभी वहाँ हैरी आ जाता है। हैरी ध्यान से देखता है उस चीज़ को और वो उसे इग्नोर कर अपने कैंप की तरफ चले जाते हैं। हम देखते हैं शाम हो गई, सूरज ढलने को था। उनके पास एक बुक थी जिसमें जानवरों और पेड़ पौधों की जानकारी थी। उस हिरन पर जो पदार्थ था वो किसी प्रकार का फंगस है। रात दोनों के बीच काफ़ी बातें होती हैं और दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, शायद पहले से भी ज़्यादा। रात बीत गई। सुबह हैरी कुक कर रहा था और रूथ वॉक पर अकेले निकल जाती है। चलते हुए उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो काफ़ी खूबसूरत और ताज़ा लग रहे थे। उसमें से एक फूल तोड़ वो उसकी खुशबू लेती है। उसे पीछे एक केव दिखाई देती है। उसमें कुछ नीली सी चमकदार चीज़ दिखाई दे रही थी। थोड़ी हिम्मत कर वो उस केव की तरफ बढ़ी। उस केव के भीतर एक छेद था जिसमें से सूरज की रोशनी साफ आ रही थी, जिससे केव के भीतर का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। भीतर वो नीली चमकदार चीज़ काफ़ी ज़्यादा थी। वो एक तरह का थिक लिक्विड था। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी एहसास होता है कि पीछे कोई है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है, उस चीज़ को देख उसकी चीख निकल जाती है। यहाँ हम देखते हैं हैरी उसका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि रूथ को गए काफ़ी वक्त हो गया था। वो रूथ को ढूंढते हुए उसी दिशा में जाता है। रूथ उसी जंगल में शांत खड़ी थी, बिल्कुल ठीक, पर उसके चेहरे पर हम एक बदलाव देख सकते हैं। वो वहाँ से आगे निकल जाते हैं। रात हैरी देखता है रूथ टेंट में नहीं है। वो बाहर आता है। तभी हैरी पीछे देखता है, रूथ उसके पीछे ही खड़ी थी। वो ये देख डर जाता है। रूथ के हाथों में एक चाकू था। रूथ कहती है उसे लगा यहाँ कोई और है। उस दिन के बाद से रूथ का बदलाव काफ़ी बदला बदला लग रहा था। वो टेंट में जाकर सोते हैं, पर रूथ की आंखें खुली की खुली हैं। सुबह हो गई, पर उसने एक मिनट की नींद नहीं ली। उस दिन केव में कुछ हुआ था, पर यह सिर्फ रूथ ही जानती है। वो काफ़ी खामोश रहने लगी थी। कल रात की बात के लिए रूथ उससे माफ़ी मांगती है। रूथ बताती है वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहती है। ये सुन हैरी काफ़ी खुश होता है, पर वो एक शर्त रखती है। वो उसे फिर से वहीं प्रपोज करे जहाँ उसने उसे पहली बार प्रपोज किया था। वो उसी व्यू पॉइंट की बात कर रही थी जो पहाड़ की चोटी पर है। हैरी मान जाता है और दोनों उसी व्यू पॉइंट पर जाते हैं। हैरी रिंग निकाल उसे प्रपोज करता है। इससे पहले कि हैरी कुछ समझ पाता, रूथ उसे पहाड़ से नीचे धक्का दे देती है और हैरी नीचे एक चट्टान पर जा गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पर रूथ ने ऐसा क्यों किया, ये तो सिर्फ रूथ ही जानती थी। वहाँ से वो अपने ट्रेल की तरफ भागना शुरू करती है, पर उसे रास्ते का पता नहीं था। डिहाइड्रेशन की वजह से वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक मिडिल एज्ड कपल आता है। वो रूथ को इस हालत में देखते हैं तो उसे पीने को पानी देते हैं। वो दोनों उसे अपने साथ कैंप लेकर चले जाते हैं और फैसला करते हैं कि कल सुबह वो रूथ को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। वो महिला रूथ के चोट की वजह पूछती है, पर रूथ उसे कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं। वो उनसे काफ़ी कुछ छिपा रही थी। रूथ अपने हाथ में वहीं पड़ा हुआ चाकू उठा लेती है। उन्हें लगता है शायद वो उन पर अटैक करेगी, पर हम देखते हैं दूसरी तरफ से हैरी आ रहा है। ये चाकू उसने हैरी को देख उठाया था। रूथ काफ़ी डर जाती है, पर यह कैसे हो सकता था। रूथ ने ही हैरी को पहाड़ से धक्का दिया था और हमने हैरी को मरते हुए देखा। वो महिला रूथ को वहाँ से लेकर भाग जाती है। वो शख्स हैरी को रोकने की कोशिश करता है, पर हैरी की उंगली से एक धारदार ब्लेड निकलता है
और उस आदमी को बीच से चीर देता है। यहाँ एक के बाद एक अजीब घटनाएं हो रही थी जिसको समझ पाना लगभग नामुमकिन था। हैरी का जिंदा वापस आना और उसके उंगली से उस ब्लेड का निकलना सब कुछ चौंका देने वाला था। रूथ एक जगह जाकर छिप जाती है, पर हैरी उस महिला को पकड़ लेता है और अगर रूथ बाहर नहीं आई तो वो उसे मार देगा। रूथ बाहर आती है, फिर भी वो उस महिला को मार देता है। हैरी उससे सवाल करता है, उसे उसकी सच्चाई का पता कैसे चला। यहाँ रूथ रिवील करती है कि वो जब उस दिन केव में गई थी तो उसने वहाँ हैरी की लाश देखी थी जो उसी पदार्थ में लिपटी थी जिसमें वो मरा हुआ हिरन लिपटा था, और वो हैरी की ही लाश देख चिल्लाई थी। फिर वो वहाँ से भाग बाहर आती है। एंजाइटी की वजह से उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, पर वो हैरी के आने से पहले नॉर्मल कंडीशन में आ गई थी ताकि उसे पता न चले कि वो उसका सच जान चुकी है। वो हैरी का शरीर लिए हुए कोई और ही था, इसलिए जब हैरी उसे जंगल में मिलता है तो रूथ ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे सब ठीक है, और इसलिए उसने उसे पहाड़ से धक्का दिया था। वो रूथ को मारने जाता है क्योंकि उसे उसका सच पता चल चुका है, पर रूथ उसे रुकने को कहती है और वो इस बारे में किसी से नहीं बताएगी। पर हैरी उसे चाह के भी नहीं मार सकता क्योंकि जिस चीज़ ने भी हैरी का वेश लिया है उसके शरीर में हैरी के इमोशन भी हैं और वो रूथ से प्यार करता है तो उसे मार नहीं सकता। पर रूथ अब उस चीज़ से डरने लगी थी। वो वहाँ से उठकर भागने लगती है, पर थोड़ी देर भागने के बाद वो थक कर रुक जाती है। वो भी उसके पास पहुँच जाता है और यकीन दिलाता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा, पर रूथ वहाँ नहीं रुकना चाहती क्योंकि वो हैरी नहीं है, हैरी तो मर चुका है। वो बताता है कि बायोलॉजिकली अब मैं हैरी बन चुका हूँ, मैंने उसके सारे डर, उसकी यादें, उसके विचार सब कुछ अपने शरीर में ट्रांसफ़र कर ली है। रूथ काफ़ी डरी हुई थी और उससे सवाल करती है कि वो उससे क्या चाहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो रूथ को लेकर बीच की तरफ चला जाता है। रूथ जाना तो नहीं चाहती थी, पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो ह्यूमन इमोशंस के बारे में बात कर रहा था। उसने आज से पहले ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। प्यार, डर, यादें, ये सब काफ़ी नया है। रूथ उसकी बातें समझ नहीं पा रही थी। वो वहाँ रूथ को एक स्पेसशिप दिखाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक एलियन है और किसी दूसरे ग्रह से आया है। ये देख रूथ को भी सब कुछ पता चल जाता है। वो रूथ को अपने साथ किसी दूसरे ग्रह पर चलने को कहता है। वो वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। वो एलियन बताता है कि उसके जैसे और भी एलियन यहाँ आने वाले हैं और अर्थ को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेंगे। एक तरह से धरती नर्क हो जाएगी जहाँ कोई भी इंसान नहीं रहना चाहेगा, इसलिए वो अर्थ छोड़कर उसके साथ चले। वो चलने के लिए मान जाती है। रूथ देखती है समुंदर में शार्क्स घूम रही थी। चलते वक्त वो उस एलियन के जेब से चाकू निकाल उसके सीने में मार देती है जिससे काफ़ी खून निकलने लगता है, और रूथ समुंदर की तरफ भागती है और तैर कर भीतर की तरफ जाती है क्योंकि वो एक सर्फर है तो समुंदर में सर्वाइव करना उसे आता था। वो एलियन भी उसके पीछे आता है और जैसे ही वो समुंदर में घुसा उसका खून समुंदर में फैलने लगा। जैसा कि हम जानते हैं, ब्लड शार्क्स को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद शार्क्स उस पर अटैक कर देती है। किसी तरह रूथ समुंदर से निकल जंगल में भागने लगती है। यहाँ हम देखते हैं वो एलियन बच के समुंदर से बाहर आ जाता है। यहाँ रूथ उन कपल के कैंप के पास पहुँच जाती है जो मर चुके थे। वहाँ काफ़ी कुछ खाने को रखा था। तभी पीछे एक दस्तक होती है। वो एलियन उसके पीछे खड़ा था और उसने अपने टेंटाकल से रूथ को पकड़ा था। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आता है तो वो उसी केव में थी। केव की दीवार पर उसका शरीर उसी ब्लैक सब्सटेंस के भीतर है और एक टेंटाकल रूथ के शरीर से उस एलियन के हाथ में जुड़ा है। अब वो एलियन खुद को रूथ में बदल रहा था ताकि जो उसके मन में रूथ को पाने की इच्छा है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद वो रूथ को मार देगा। थोड़ी देर में हम देखते हैं वो पूरी तरह से रूथ में बदल गया है। अब वो रूथ के सभी इमोशन को महसूस कर सकता है तो उसे रूथ की ज़रूरत नहीं। रूथ को एक प्लान सूझता है। रूथ को पता था अगर वो बायोलॉजिकली रूथ में ट्रांसफॉर्म हो गई है तो एंजाइटी डिसऑर्डर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो जैसे ही रूथ को मारने जाता है, रूथ उससे सारी बातें कहना शुरू करती है, जिसे सुन उस एलियन को एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है और वो अपना टेंटाकल निकाल देता है। यहाँ वहाँ गिरने लगता है। रूथ किसी तरह खुद को उस सब्सटेंस से बाहर निकालती है। अब उस डब्बे में एंजाइटी की गोली भी नहीं थी। वो एलियन एंजाइटी की वजह से नीचे गिर जाती है।
इसी मौके का फायदा उठा रूथ उसके सर को पत्थर से कुचल उसे मार देती है और वहां से भाग रेड रिज ट्रेल के पास पहुंच जाती है जहां उनकी गाड़ी पार्क थी। गाड़ी स्टार्ट कर वो अपने घर की तरफ निकल जाती है। उसका रेडियो ऑन था, तभी रेडियो पर उस एलियन की आवाज सुनाई देती है। वो अब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली क्योंकि उसे रूथ के बारे में अब सब पता है। वो जल्द ही उस तक पहुंच जाएगी। ये सुन रूथ काफी डर जाती है। उसके बाद फिल्म के अंत में हम देखते हैं उसी पहाड़ों में वैसे काफी स्पेसशिप उतर रहे हैं और फिल्म इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।